बड़ी लंबी बहस हुई, साहित्यकारों ने सम्मान क्यों लौटा दिया, कलाकारों ने सम्मान क्यों लौटा दिया, असहिष्णुता तो है नहीं। पहली बार किसान कह रहा है आपने हमें सम्मान दिया, हम लौटा रहे हैं। 70 बरस के मुरेश्वर झाड़े और 50 बरस के हेमंत शेंडे ने महाराष्ट्र में किसानों की बढ़ती खुदकुशी और खुदकुशी रोकने में सरकार की विफलता के विरोध में किसानी के क्षेत्र में जीते अपने दो बड़े सम्मान शेती निष्ठा और कृषि भूषण को वापस करने का ऐलान कर दिया। खर्चा बढ़ने के बाद में शेतकरी ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, सरकार भाव नहीं दे रही। मैंने अभी अपना ईमान बेचा नहीं है, तो मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं। पुष्प मित्र भार्गव देश के मशहूर वैज्ञानिक है। देश के माहौल का हवाला देकर पुरस्कार लौटाने वालों के लिस्ट में अब इनका नाम भी शामिल हो गया है। भार्गव ने ये कहते हुए पद्म भूषण लौटाने का फैसला किया है कि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है। 107 वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति को विरोध जताते हुए चिट्ठी लिखी है। घनघोर तरीके से बटा हुआ समाज एक परमाणु बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है और पूरे देश में खलबली मचा सकता है। साहित्यकारों, कलाकारों और वैज्ञानिकों के बाद 50 से ज्यादा इतिहासकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संयुक्त बयान जारी कर हाल की घटनाओं पर चिंता जताई है। इनमें रोमिला थापर, इरफान हबीब और मृदुला मुखर्जी शामिल हैं। अभी कोशिश ये की जा रही है कि दलितों और मुसलमानों में झगड़ा कराया जाए। FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्रों का समर्थन करते हुए निर्देशक दिवाकर बनर्जी समेत 10 फिल्मकारों ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया था। मुझे लगता है और मैं गलत हो सकता हूँ कि जो FTII में हो रहा है वो भारत के दूसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो रहा है।